हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी किसी भी नॉर्मल वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हैं, स्लो मोशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आईफोन में दो तरह की वीडियोस अब जो हैं होने लगी हैं, जैसे कि आई मीन टू से दो तरह की वीडियोस जो नॉर्मल वीडियोस रहेंगी, जैसे कि सिनेमैटिक वीडियोस और नॉर्मल वीडियो। फॉर एग्जांपल स्लो मोशन तो हो गई स्लो वाली, ये हो गई एक सिनेमैटिक और एक हो गई वीडियो वाली नॉर्मल वीडियो। सो सिनेमैटिक और वीडियो को हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो उसके लिए आपको जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। वो आपकी इच्छा है कि आप अगर जो आप सॉफ्टवेयर पहले से यूज़ कर रहे हैं उसमें स्लो मोशन जो फीचर है वो है ऑलरेडी अवेलेबल या नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा दो सॉफ्टवेयर, इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लो। फर्स्ट है कैपकट, दूसरा है वीएन। कैपकट के लिए आपको रीजन चेंज करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वीएन वीडियो एडिटर आपको जल्दी से डायरेक्टली प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड में भी ये ट्रिक हेल्पफुल रहेगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वीएन वीडियो एडिटर को मैं ओपन करने वाला हूँ, और जैसे ही मैं वीएन वीडियो एडिटर को ओपन करता हूँ मुझे न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करना है। जैसे कि प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये वाली वीडियो है, मुझे इसको स्लो डाउन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी आईफोन 14 प्लस की मैंने वीडियो शूट की है, इसको मैं स्लो डाउन करके नॉर्मली जस्ट कह लो इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक सेट करना चाहता हूँ। सो आपको अगर इसको करना है सो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ नीचे, आपको ऑप्शन दिख रही है स्पीड की, अगर नहीं दिख रही सो जस्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करो। और अब आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रही है स्प्लिट और स्पीड वाली ऑप्शन। अगर आपको नॉर्मल स्मूथली एक तरह से 0.5 स्लो डाउन करना है सो आपको रेगुलर के ऊपर क्लिक करना है। सो आप इसको सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से। आजकल जो है इफ़ेक्ट चला है, पहले कहीं से तेज़ हो गई कहीं से स्लो हो गई। अगर आपको वो चीज़ चाहिए सो आपको जाना है कर्व वाले सेक्शन में जहाँ से आपको स्लो करनी है। पहले मैं इसे नॉर्मल कर दे रहा हूँ जो कि ये रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे स्टार्टिंग से स्लो करनी है सो मैं स्टार्टिंग से इसको नीचे कर दूंगा, इस पॉइंट को, इस जो है डॉट को। अगर मुझे यहाँ आगे जाकर थोड़ी वीडियो तेज़ करनी है, अगर मुझे यहाँ से प्रीसेट चाहिए तो मैं यहाँ पर ऐड पॉइंट करके इसको तेज़ कर दूंगा। सो ये जो वीडियो है यहाँ से फास्ट हो जाएगी। अगर मुझे आगे से फिर से स्लो चाहिए तो मैं इसको नीचे कर दूंगा और फिर से नॉर्मल रहने दूंगा। सो अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर दो। सो मैं रेगुलर के ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ और 0.5x के ऊपर सेट करना चाहता हूँ। सो मैं इसे 0.5x के ऊपर रख कर स्लो डाउन कर दूंगा। और लास्ट वाली जो ये इफ़ेक्ट है इनपुट टाइटल, इसको डिलीट कर दूंगा और उसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा जस्ट वन क्लिक में। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट की सेटिंग्स आपको क्या रखनी है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर मैं 1080p/60fps पर ही रखना चाहूँगा। सो अगर आप इसका बिट रेट सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप देख सकते हो मैं 5 बिट रेट सेट करना चाहता हूँ। सो मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये जस्ट कुछ ही सेकंड्स में मेरी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट आ जाएगी। इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, और वीडियो की लेंथ के ऊपर। सो अभी ये जस्ट कुछ ही सेकंड्स में वीडियो हो जाएगी एक्सपोर्ट। सो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को कर सकते हो स्लो डाउन अपने आईफोन में। सो ये है सिंपल ट्रिक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।